Hello guys, welcome to CSS tutorial for beginner in Hindi series. Guys, आज के वीडियो में हम देखेंगे CSS टेक्स्ट स्टाइल के बारे में कि हम अपने टेक्स्ट पे जो भी हम अपने वेब पेज पे टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं उसके ऊपर हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या जैसे कि उसकी कलर को चेंज करना होगा या फिर हमें अगर हम चाहते हैं कि अपने पूरे वेब पेज की बॉडी पे वो लेफ्ट में शो हो या राइट में शो हो या फिर टेक्स्ट अगर हमारा कोई लिखा हो उसके नीचे अंडरलाइन हो तो उसको रिमूव करना हो या फिर हमें जो दो लाइन लिखी हो उसके बीच में स्पेस बनाना हो या फिर लेटर के बीच में स्पेस बनाना हो या फिर लाइन के अंदर जो भी कैरेक्टर है उनके बीच में स्पेस बनाना हो, ये सारा कुछ ये CSS टेक्स्ट के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको ये CSS टेक्स्ट की सारी स्टाइलिंग आप इजिली इसमें सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। गाइस, मैंने यहाँ पे एक HTML की फाइल बनाई है, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक लिंक टैग के अंदर एक CSS एक्सटर्नल स्टाइल शीट को मैंने इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पे इंसर्ट किया है और आप देख सकते हैं ये हमारी स्टाइल डॉट CSS फाइल है। तो हमें यहाँ पे पैराग्राफ टैग पे ही हमें CSS अप्लाई करनी है, टेक्स्ट CSS। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने इस टेक्स्ट पे सबसे पहले हम अलाइनमेंट स्टाइलिंग करने जा रहे हैं कि जिससे कि हमें अपनी पूरी वेब पेज पे, जैसे कि ये देखिए ये हमारा अगर वेब पेज की बॉडी है पूरी, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है या तो वो लेफ्ट में शो हो या फिर सेंटर में शो हो या फिर इधर ये राइट साइड में शो हो। तो हम जैसे भी शो कराना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग ना लेके मैं यहाँ पे H1 टैग ले लेता हूँ। H1 टैग के बारे में मैंने अपने HTML की सीरीज में बताई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं H1 टैग क्या होता है। वैसे मैं फॉर्मली बता देता हूँ कि H1 टैग जो होता है ये फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर देता है। इसको सेव करके इसकी आउटपुट को एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो हमारा टेक्स्ट है ये अभी एक नॉर्मल फॉर्म में है और ये बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट है इसका। अब हम इसको चाहते हैं कि हम इसको अभी सेंटर में अलाइन कर दें, तो इसके लिए हमें यहाँ पे CSS की फाइल में अपने चेंजेस करने होंगे। जो मैंने यहाँ पे H1 टैग लिया, H1 टैग पे ही हमें CSS अप्लाई करनी है। हम यहाँ पे एलिमेंट के जगह पे लिख देंगे H1 टैग, देन यहाँ पे अब हमें यहाँ पे H1 टैग की स्टाइलिंग करनी है और उसके टेक्स्ट को अलाइन करना है राइट साइड में या फिर सेंटर में। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे टेक्स्ट अलाइन, देन यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेंटर, अगर हमें सेंटर में करना है। तो इसको सेव करके इसकी आउटपुट पे चेक करते हैं। ये देखिए जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो गया, इसकी ये लेफ्ट से और राइट से मार्जिन दोनों साइड से सेम होती है। अब हम अगर चाहते हैं इसको राइट साइड में शिफ्ट करना तो हम यहाँ पे सिंपल टाइप कर देंगे राइट, तो ये जो हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी इसको सेंटर में कर देता हूँ। फिर इसके अंदर एक आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर क्या होता है मैं यहाँ पे पहले टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म गाइस, जिसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ये टेक्स्ट है ये अभी जो हमारा टेक्स्ट है ये अभी कैमल केस में लिखा हुआ है, यानी कि इसका पहला लेटर कैपिटल में फिर उसके बाद स्मॉल में है। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा पूरा कैपिटल लेटर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए या फिर इसके पहले डिजिट कैपिटल लेटर में हो जाए या फिर सारे स्मॉल में हो जाए, तो ये हम सारा कुछ कर सकते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टी के हेल्प से। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसको। अगर हमें कैपिटल लेटर में करना होगा तो हमें यहाँ पे टाइप करना होगा अपर केस टाइप करके यहाँ पे सेमी कोलन से इसको सेपरेट करते हुए फिर सेव करके इसकी आउटपुट देखेंगे। ये देखिए सारी जितने भी हमने टेक्स्ट इसमें पास किए थे सारे कैपिटल लेटर में हो गए। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि सारे ये स्मॉल लेटर में आ जाए तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे लोअर केस, इसको सेव करके इसकी आउटपुट को हम देखते हैं। ये देखिए सारे स्मॉल फॉर्म में आ गए, तो ये टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर देता है। एक और इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है जिससे ये होगा कि हमारा जो पहला लेटर होगा हर कैपिटल हर जो ये वर्ड है इसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, यानी कि कैमल केस में हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे टाइप करना होगा कैपिटलाइज टाइप करके इसको सेव कर लेते हैं। ये देखिए इसका पहला लेटर सबका एक कैपिटल लेटर में हो गया। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रॉपर्टी है CSS की वो हम यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लेटर स्पेसिंग की भी, क्योंकि लेटर्स के बीच में अगर हमें स्पेस देना हो तो हमें यहाँ पे टाइप करेंगे लेटर स्पेसिंग, फिर जितनी वैल्यू हम दे दें जैसे कि हम दे दें 3 पिक्सल। ये देखिए ये जितने भी वर्ड के अंदर लेटर थे उनके बीच की स्पेस ही बढ़ गई है। फिर अगर हम इसको माइनस में दे देते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा।
इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ये देखिए बिल्कुल कंजस्टेड यानी कि कंसाइज फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से आप लेटर के बीच में स्पेस दे सकते हैं या फिर उसकी स्पेस को कम कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको 3 पिक्सल ही कर देता हूँ। देन इसके बाद से यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, जिससे मैं जो दो यहाँ पे पैराग्राफ है इनके बीच की स्पेस को मैं चेक कर लूँगा कि कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देखिए ये दो दो पैराग्राफ है, यहाँ पे एक मैं br टैग लगा देता हूँ। br टैग के बारे में मैंने html की सीरीज में बताया, आप वहाँ पे जा के दे सकते हैं, ये न्यू लाइन के लिए यूज होता है। ये देखिए दो पैराग्राफ है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो दोनों पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है इसको या तो हम इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर डिक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम css की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम यूज करते हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इसके ही अंदर हमें टाइप करेंगे लाइन हाइट, देन उसकी वैल्यू हम देंगे यहाँ पे 0.7। फिलहाल मैं ये दे देता हूँ, इसको रिफ्रेश करके इसकी आउटपुट हम चेक करते हैं। ये देखिए 0.7 किया था हमने, तो ये स्पेस श्रिंक हो गई, यानी कि इनके बीच की दोनों पैराग्राफ के बीच की स्पेस कम हो गई। अगर हमें ये स्पेस बढ़ाना है तो हम जैसे यहाँ पे दे देंगे 2.0 या फिर जितना आप चाहें उतनी स्पेस यहाँ पे दे सकते हैं। ये देखिए ये बीच की स्पेस इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से आप लाइन हाइट यूज कर सकते हैं इसके अंदर। फिर अगर हम इसके अंदर चाहते हैं कि वर्ड के बीच में अगर स्पेस सिर्फ बढ़े, ये लेटर के बीच में स्पेस ना बढ़े, तो हम इसके लिए यहाँ पे अपने css फाइल के अंदर हमें लिखते हैं वर्ड स्पेसिंग। देन हमें जितना भी स्पेस चाहिए जैसे कि 5 पिक्सल, तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे 5 पिक्सल से। देन यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए बीच की स्पेस यहाँ पे इंक्रीज हो गई। अगर हम यहाँ पे स्पेस कम करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे -5 कर दें, तो स्पेस बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी और ये श्रिंक हो जाएगा आपस में ही, यानी कि चिपक जाएगा ये बिल्कुल। और इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर एक और css की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, टेक्स्ट शेडो, यानी कि जो हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इसके साइड से इसकी शेडो भी शो हो, तो वो हम यूज करते हैं 3D फॉर्म में अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए। तो वो अलग अलग प्रॉपर्टी, एक हाई लेवल की प्रॉपर्टी होती है। तो अभी मैं उसका एक बेसिक बता देता हूँ कि कैसे हम टेक्स्ट के अंदर शेडो लगाते हैं। तो यहाँ पे टाइप करिए टेक्स्ट देन शेडो, फिर हमें इसकी वैल्यू देनी होती है कि वो राइट से या फिर लेफ्ट से कितना हो। तो जैसे कि हम 3 पिक्सल एंड 2 पिक्सल, और फिर उसकी कलर किस कलर में उसके शेडो बने, इसको सेव करके इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देखिए ये इसकी शेडो बन गई। अगर आप ये वैल्यू इंक्रीज कर दें तो ये आपको क्लियर दिखेगा इसका शेडो किधर बन रहा है। सेव करके इसकी आउटपुट को देखते हैं, ये देखिए ये इसकी शेडो बन गई। तो गाइस आपने देखा इस वीडियो में css टेक्स्ट की स्टाइलिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।